प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। भैया हमरा गाँव में अपने देखे छे घूमे। जी हाँ दीदी, अपने ये गाँव में अबे कर लिए, सुन लिए अपने गाँव में दीदी श्री विधि से धान के खेती खूब हो छे, जानकारी प्राप्त करे खातिर अपने गाँव में आये लिए हम। चलिए हो रहा छे, दू साल से करे छे। चलिए आर सब दीदी से। ओ दू साल पहले से अपने यहाँ हो छे। अच्छा चलिए, जीविका दीदी छे ओकरा से अपने के ठीक छे दीदी। चलिए सा दीदी घरे में छिए। हाँ दीदी घरे में छिए। आइए एगो भैया अपने से मिले ले। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। सरिता दीदी से दीदी हमरा रास्ता में जानकारी मिल रही कि अपने या अपने गांव में श्री विधि से धान के खेती बहुत अच्छा तरीका से हो छे, और अपने श्री विधि से धान के खेती करे के बारे में बहुत जानकारी रखे छे दीदी। हमू यही चीज के जाने खातिर अपने के पास में आये लिए दीदी। हाँ भैया, हमें दू साल से छे ने जे श्री विधि से खेती करे छे धान के। दू साल से? हाँ। आई जगह जितना दीदी छे ने सबके छे ने श्री विधि से बतेलिए हन धान के खेती करे ले। आज जे छे ने बीज शोधन के बारे में जानकारी देतिए रहे सब दीदी के, तो संजोग से अपने चल एलिए, तो चलिए अपने यो जान लबे। तो बहुत अच्छा से दीदी हम पहुँच गेलिए अखन अपने के साथ में। हाँ भैया चलिए, तब जानकारी हो जाए। चलिए। अच्छा दीदी, श्री विधि से धान के खेती करे में बीज के शोधन करे के पीछे की उद्देश्य हो छे दीदी? बीज शोधन करला से अंकुरण ज्यादा हो छे और पौधा में कोनो रोग नहीं लगे छे। पौधा में कोनो रोग नहीं लगे छे नहीं दीदी? हाँ। तो पौधा और स्वस्थ मजबूत हो जाते। हाँ। उपजो बेसी होते। हाँ, अच्छा भैया शोधन के बारे में तो हमें बता देवे, लेकिन हम अपने परिचय तो दे दिए। ठीक दीदी, हम अपने का अपना परिचय दे दीदी। हमार नाम संजय सिंह छे, हमार घर धनसर भेल है, और हम संस्कार भियो में VRP के काम करे छे। ठीक है दीदी, हम तो अपने के अपन परिचय दे देलूं, अब तनी अपनो परिचय दे दी तो बढ़िया रहते। नाम आशा देवी, घर मतलौस, जिला खगड़िया, थाना चौथम, शंकर समूह के हम सचिव होलिए और विकासशील भियो के उप सचिव होलिए। दीदी धान के बीज शोधन करे में कौन कौन सामान लगे छे? बस शोधन में भैया एहे सब सामान के से जरूरी छे। ओ इतनो सामान ना? हाँ बस इतने वो सामान दीदी? हाँ भैया इतने सामान लगे छे। वाह, 5 कट्ठा खेत के लिए 500 ग्राम धान छे भैया। अच्छा, एगो मुर्गी के अंडा छे भैया। ओ मुर्गियों के अंडा कम आवे छे ने शोधन में? नमक पानी में घोल बनबे के लिए छे भैया। ओ नमक ने? हाँ घोल बने छे। अच्छा, और 1 ग्राम वेबस्टिन पाउडर लगते भैया। ओ वेबस्टिन पाउडर भी हम कम आवे छे ने? 1 से 1.5 लीटर साफ पानीयो छे भैया। ओ साफ पानी भी? जी। और 1 जूट के बोरो लगे छे मैं भैया। अच्छा, जूट के बोरा भी? हाँ। बीज शोधन में यह काम आवे छे ना? हाँ भैया। अच्छा, अच्छा दीदी धान बीज के शोधन में जितना सामान लगे छे तो अपने हमरा देखाय दिए, अब दीदी बीज शोधन केना केना होय छै तनी ओहा करके हमरा देखाय दिए तनी गो। ठीके छै भैया, हम करी के देखाय दै छी। ठीक छै दीदी, हमरा बताय दिए। बीज शोधन के लिए भैया सबसे पहले नमक के घोल तैयार करल जाय छै। ओ नमक के घोल ने? हां। अच्छा, ओकर बाद ओय में अंडा देलो जाय छै भैया। यदि अंडा नीचा में बैठले रह गेलै तऽ समझ जइए घोल तैयार नहीं छै। फिर नमक दे के पूरा घोल तैयार करिए। ओकर बाद जब घोल तैयार हो गेले तो अंडा ऊपर तैरे लगते, तो समझ जइए कि घोल तैयार छे। ओहो, नमक जब तक देते रहिए भैया कि एमे घोल तैयार नहीं होते तब तक नमक दिए। फिर घोल तैयार करे छे नमक देख भैया, फिर जोते छे कि घोल तैयार होले कि नहीं, ए मंडा डाले छे। दीदी अब तो तैयार लगल अंडा अपने के, अब समझ जइए कि घोली
तैयार छै ने जब पानी में अंडा तैरे लगले त घोल तैयार भ गेलै ना तैयार हो गेलै अच्छा यहो बढ़ियो नियम छै यदि अंडा उपलब्ध नै छै भैया त ओइमे आलू भी दे के चेक करे पारे छिये कि घोल तैयार होले कि नै होले अच्छा अंडा के दोसरो विकल्प छै ई ने आलू हां माने आलू त यहो त तैरे लगले ओनहिए दीदी अंडे सन यहो त हेले लगले हां भैया अच्छा घोल तो तैयार हो गए भैया जी आप एकरा जे छे ने दोनों की काली ले छिए और धान के बीज में डाले छिए बीज डाल लिए भैया ई जे सब ऊपर में देखै छियै हेलै छै ई सब खराब बीज छै भैया ई खराब बीज ने खराब बीज तब तो ऊपर तैरले एकरा अपने चुन के निकाल लेलिए हम ने हां ई जे सब खराब वाला बीज के छौकी दिए ओकर बाद जे बढ़िया वाला बीज छै उ होले सोधक बीज ने शुद्ध बीज नीचे रह गेले ने खराब बीज ऊपर निकल गेले सब ऊपर हो गेले ई जे खराब बीज हमें निकाल दिलिए भैया जी उ जे छै यदि बेड पर देबे जन्म भी जेते बीज तो ओमे दाना ओय समय में नहीं निकलत ओ लेकिन जन्म जेते लेकिन दाना नहीं होते ना नहीं होते अच्छा एहि कारण छै ने खराब काज छै छौकी के निकालल जाय छै अच्छा दीदी अब ई में से तो खराब बीज सब चुन के निकाल लीजिए अब बढ़िया बीज बच गए अब की करबे अब ये बीज के भैया सादा पैन में धो देख छे ताकि नमक के अंश हटी जेते ओ अच्छा नमक के अंश हटे खातिर धोबे ना हां सादा पानी से अब की करबे भैया त ए में से धान निकाली के सादा पानी में धोए अच्छा दीदी अब कते बार धोबे एकरा एकरा भैया दो तीन पानी से धोए के छै दो तीन पानी से ना ताकि एकर नमक के अंश हट जाए मतलब पूरी नमक के अंश हट जाए छै जी ता तक धोते अब ई बीज के भैया निकाल के ए पानी में छोड़ दे के छै 18 से 20 घंटा के लिए खुलेला छोड़ी देबे 18 से 20 घंटा के लिए ना हां अच्छा आशा दीदी हां भैया 20 घंटा दीदी पूरी गेले हम आइलो अपने के पास अब की करबे अपने बताइए जरा सा फिर हां भैया 20 घंटा तो भ गेले चलिए ना आगे की होतै से बतबै छी अपने चलिए अपने वहां देखल हम आइबे किलो ना अभी तक चलिए अब ते धान फूली गेले भैया जी अब एकरा निकाली के जूट वाला बोरा पर पसारे के छे तो जूट के बोरा पर ही पसारे के छे ना हां अच्छा दीदी अब ते बाल्टी से निकाल के जूट के बोरा पर पसार दलिए बढ़िया से अब दीदी एकरा की करबे अब ई व्यवस्थित पाउडर के एमे छिड़काव करे छे भैया वो बेवेस्टिन पाउडर के में छिड़काव करबे ना हां उ कथिल दीदी ऐसे जे छे ना पौधा में कोनो रोग नहीं लगे छे ओ पौधा में कोनो रोग नहीं लगे छे ना हां अच्छा और फिर एकरा जे छे मिलावे छे माने एरा मिले में बढ़िया से इन जना मिलवे छे ना अच्छा दीदी ई अपने दस्ताना कथी ले पिन लिए ऐ में जे फफूंद नाशक दवाई छे भैया उ जे छे हानि पहुंचावे छे हाथ के जी हानि पहुंचावे छे ना दवाई से ऐ कारण जे छे ए में दस्ताना लगाए के मिलाएल जाय छे अच्छा यदि जे दीदी के पास में नहीं छे तो पोलोथीन तो जाने छे जी हां दीदी पन्नी जाने छे ओहो लगाए के करे
पारे ताकि दवाई हाथ में नहीं सके ना। अच्छा अच्छा दीदी, अब ते अपने एकरा में बेवेस्टिन पाउडर मिला दिलिए, ओकर बाद दीदी अब की करबे? अब एकरा जे छे भैया बांधि देबे एक रस्सी से, बांध छिड़काव करते रहबे 24 घंटा तक, देख रेख करबे ताकि एमे नमी बरकरार रहे। नमी बरकरार रहे चाहिए 24 घंटा तक, जिसमें कि पौधा के अंकुरण सही सलामत हुआ, बीज बढ़िया से अंकुर जाए। अंकुर जाए जी। अच्छा दीदी, अपने धान के बीज शोधन के लिए एकरा से की लाभ होई छे? बीज शोधन से दो फायदा होई छे, एक तो अंकुरण ज्यादा होते और रोग नहीं लगते। रोग यदि नहीं लगते तो पौधा ज्यादा उपज देते, यदि पौधा ज्यादा उपज दे रहल छे तो जरूर छे कि लाभ ही लाभ जी। पौधा जब अधिक रहते बढ़िया तब तो होते फसल ज्यादा, आ दीदी किसान दीदी के खाली लाभ ही लाभ होते वैसे। अच्छा दीदी, एकरा में कुछ सावधानियों पर तय पैसे की? हाँ भैया, एकरा जे छे प्लास्टिक वाला बाल्टी में ही घोल तैयार करे छे जी, और जूट वाला जो बोरा होय छे वह पर जे छे ना रखे के छे 24 घंटा तक छाँव में, और छिड़काव करे के छे ताकि नमी ओय में बरकरार रहे। बीच में पानी भी छिड़काव करते रहे के छे ना, ताकि नमी ओय में बनल रहे, बनल रहे, लेकिन बढ़िया जल्दी अंकुर जीते। हाँ यह बात है। ओय में एगो सावधानी छे भैया जी, कि व्यवस्थित पाउडर जे होय छे ओकरा जे मिलेबे तो हाथ में जो दवाई के जे छे ज्यादा अथी लग जेते, एकरा एकरा लिए दस्ताना पहने के छे। दस्ताना पहने के छे, बहुत बढ़िया काम कर रहिए हम। और सब दीदी के लिए कुछ संदेश देबे ने की? हाँ भैया देबे, खराब बीज से तो फसल अच्छा होते ही नहीं दीदी, एहि कारण जे छे हम बीज के शोधन करे छे कि खराबका बीज छटा जाए, छटेला के बाद से अच्छा बीज होते तो वैसे छे अच्छा फसल होते। दूसर फायदा ई होय छे यदि शोधल बीज यदि हम लगबे छे तो बीज ओहिमे कम लगे। सब दीदी से हम यह अनुरोध करे छे कि बीज शोधन कर के ही लगाइए ताकि फसल अधिक से अधिक उपजाऊ हुए। अच्छा दीदी, अपने अपन बहुत कीमती समय दे करके हमरा इतना बढ़िया चीज की जानकारी दिलिए, इस जानकारी के लिए दीदी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीदी हम चले छो। प्रणाम।